दोस्तों, श्री रतन टाटा का नाम सुनते ही हमें एक ऐसी शख्सियत याद आती है जो सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि देशभक्त और समाज के लिए जीने वाले इंसान थे। टाटा ग्रुप को अंतरराष्ट्रीय ब्रांड बनाने का सफर जितना शानदार था उतना ही प्रेरणादायक भी। और जब 9 अक्टूबर 2024 को उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें ली तो पूरा देश एक शोक की लहर में डूब गया। आज हम बात करेंगे उनके जीवन, उनकी सोच और उनके कार्यों की, जिन्होंने न सिर्फ टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों तक पहुंचाया बल्कि देश की भलाई को भी हमेशा प्राथमिकता दी। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनी टाटा था। रतन टाटा जमशेद जी टाटा के परपोते थे। वे 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। इसके अलावा वे अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक इंटरिम चेयरमैन भी रहे। वे 2017 से टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख भी थे। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल ब्रांड बनाया। उन्होंने एयर इंडिया को खरीदा, जिसे जेआरडी टाटा ने शुरू किया था, लेकिन आजादी के बाद ये सरकारी हो गई थी। फोर्ड के लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर और जैगुआर को भी अपनी पोर्टफोलियो में शामिल करने में रतन टाटा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2008 में रतन टाटा को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इससे पहले 2000 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा मुंबई के कैथीड्रल एंड जॉन कॉनेंट स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम में हिस्सा लिया। पढ़ाई के दौरान ही उनके अंदर एक विजनरी और देश के लिए कुछ बड़ा करने की चाह जागी। 1991 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की बागडोर संभाली। ये वक्त भारत में आर्थिक सुधारों का था और रतन टाटा ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। चाहे वो टाटा मोटर्स का जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण हो या टाटा स्टील द्वारा कोरस ग्रुप का अधिग्रहण, उन्होंने हर कदम देश की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उठाया। इसी का एक उदाहरण था टाटा नैनो। रतन टाटा का एक सपना यह भी था कि एक ऐसी कार बने जो हर आम भारतीय की पहुंच में हो। इसी सोच के साथ उन्होंने टाटा नैनो का निर्माण किया। यह सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक सपना था जो हर मध्यम वर्गीय परिवार को सस्ते में एक कार का मालिक बना सकता था। उनके इस कदम ने यह साबित किया कि वे अपने मुनाफे से ज्यादा देश और उसकी जनता के सपनों के बारे में सोचते थे। रतन टाटा ने हमेशा अपने लाभ से ज्यादा समाज और देश की भलाई के बारे में सोचा, चाहे वो टाटा ट्रस्ट के जरिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हो या पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उनके प्रयास। वे हर जगह आगे रहे। उनका मानना था कि अगर कोई कंपनी समाज के लिए कुछ नहीं कर सकती तो उसका अस्तित्व ही निरर्थक है। टाटा ट्रस्ट और सामाजिक सेवा। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। टाटा ट्रस्ट ने स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वच्छता और कौशल विकास जैसे कई क्षेत्रों में काम किया। 2010 में टाटा ट्रस्ट ने कोलकाता के टाटा मेडिकल सेंटर के लिए 220 करोड़ रुपए दान किए थे, जो एक अत्याधुनिक कैंसर उपचार और अनुसंधान केंद्र है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान। कोविड-19 महामारी के दौरान रतन टाटा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान तब सामने आया जब 2020 में टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट ने मिलकर 1500 करोड़ रुपए की सहायता की थी। इसमें से 500 करोड़ रुपए टाटा ट्रस्ट ने पीपीई किट्स और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिए थे। ये कदम दिखाता है कि रतन टाटा का समाज की भलाई के प्रति किस हद तक समर्पण था। शिक्षा और नवाचार में योगदान। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने न सिर्फ वित्तीय दान दिए बल्कि इनोवेशन के लिए भी महत्वपूर्ण निवेश किए। 2008 में उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी को $50 मिलियन का दान दिया था, जो खासतौर से भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा में मदद करने के लिए दिया गया था। इसके अलावा कृषि अनुसंधान में भी उनके योगदान से भारत के किसानों की आजीविका में सुधार हुआ। टाटा ट्रस्ट की 2023 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट ने कुल 456.42 करोड़ रुपए वितरित किए, जिनमें से 397.36 करोड़ रुपए विभिन्न प्रोग्रामों में दी गई डोनेशन और 56.82 करोड़ रुपए व्यक्तिगत अनुदानों पर खर्च किए गए।
2021 की एडल गिव हुरुन रिपोर्ट के अनुसार टाटा ट्रस्ट ने 1892 से लेकर 2021 तक $102.4 बिलियन से अधिक दान कर दिए हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी परोपकारी संस्थाओं में से एक बन गई। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप न केवल भारत का सबसे भरोसेमंद समूह बना बल्कि एक ग्लोबल पावर भी बना। उनके मानवीय दृष्टिकोण और व्यापारिक दृष्टिकोण का अनूठा मिश्रण उन्हें बाकी उद्योगपतियों से अलग करता है। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मौत से न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि पूरा देश एक महान परोपकारी उद्यमी और सच्चे देशभक्त से वंचित हो गया। चाहे आज वह हमारे बीच ना रहे हों, लेकिन उनकी विरासत, उनका विजन और उनका योगदान हमेशा जीवित रहेगा।